समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी कल्याणीवाणी कार्यक्रम में एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए उपस्थित होता हूँ। प्रयास रहता है कि कोई तात्कालिक विषय जो आपकी किसी ना किसी समस्या का समाधान करे, ना भी करे तो आपके मन में उठ रहे किसी ना किसी प्रश्न की क्षुधा को शांत कर सके। बच्चा होता है ना, वो माँ से एक बार नहीं दस दस बार एक बात को पूछता है और हर बात के ऊपर उसके लिए क्यों, कैसे, क्या। ये जो वाई फैमिली है ना, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये निरंतर ये प्रश्नवाचक संज्ञाएं उसके मन में रहती हैं और वह प्रश्न पूछ पूछ करके ही बड़ा होता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों की क्षुधा को शांत करने का भी सर्वोत्तम साधन सर्वज्ञ सत्य स्वरूप परमेश्वर द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान है। क्योंकि वेद के बारे में ही तो कहा, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और सत्य स्वरूप परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए यह वेद ज्ञान, ये सत्य ज्ञान एक आचार संहिता के रूप में, नियमावली के रूप में, एक संविधान के रूप में प्रदान किया ताकि हम इसे जानकर पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म है। अर्थात हम इसे जानकर अपने जीवन का यापन कर सकें और जीवन में उठने वाले, मन में उठने वाली उत्कंठाओं को हम शांत कर सकें। आज जो विषय है वह एक आध्यात्मिक विषय है और विषय का शीर्षक है सुपर्ण पक्षी। ये सुपर्ण पक्षी की संज्ञा किसको दी गई? एक वेद मंत्र आता है द्वा सुपर्णा सहुजो सखायो, जिसमें दो पक्षियों के बारे में बताया गया। एक पक्षी सुपर्ण जिसके ज्ञान और कर्म रूपी पंख हैं, वह मेरी जीवात्मा है। द्वा सुपर्णा सहुजो सखायो में कहा कि एक दो पक्षी गड्ढमड हुए एक ही डाल पर बैठे हैं, एक पक्षी फल को खा रहा है और दूसरा उसे अध्यक्षता करते हुए देख रहा है। ये जो पक्षी फल को खा रहा है वह और कोई नहीं, वही सुपर्ण पक्षी अर्थात जीवात्मा अर्थात मैं हूं। आइए आज मैं हूं, सुपर्ण पक्षी हूं, इसी की चर्चा इस वेद मंत्र के माध्यम से करते हैं। और मेरे दो पंख ज्ञान और कर्म जिनके सहारे अपने डैने फैलाते हुए मैं अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता चला जाता हूं। सुपर्ण पक्षी हूं ना जीवात्मा, मैं प्रकृति का अवलोकन करता हूं, मैं इस प्रकृति की सुंदरता को देखता हूं और मैं इस प्रकृति में, इस प्रकृति को पैदा किसने किया, इस रचना का रचनाकार कौन है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सृष्टि के निर्माता परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने ये समस्त प्रकृति, इसके ऐश्वर्य और इसके सौंदर्य मुझ सुपर्ण पक्षी के उपयोग एवं उपभोग के लिए ही तो प्रदान किए और मैं ज्ञान और कर्म रूपी पंखों के सहारे उड़ान भरता हुआ प्रकृति का दोहन करता हूँ, शोषण करता हूँ और मैं प्रकृति में घूमा करता हूँ। लेकिन वांछित क्या है, वांछित क्या है? मैं इस रचना में रचनाकार को देखूं, प्रथम। द्वितीय, मैं इस प्रकृति का दोहन शोषण ना करूं, अपनी आवश्यकता के अनुसार लूं और अपनी इच्छाओं को आवश्यकताओं तक
सीमित कर लूं यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को इच्छाएं बना लेता हूं, मेरी प्रत्येक इच्छा ही मुझे मेरी आवश्यकता लगने लगती है, तो इच्छाएं तो सुरसा के मुख की तरह निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। एक पूरी करता हूं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी करता हूं तो तीसरी आ जाती है। ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये तो खुजली का रोग है, मैं खुजाता गया वो बढ़ती गई। तो ये सुपर्ण पक्षी को किस प्रकार से जीवन यापन करना है, आइए इस वेद मंत्र के माध्यम से, ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। एकः सुपर्णः सः समुद्रम् आविवेश सः इदं विश्वं भुवनम् विचष्टे तं पाकेन मनसा अन्तितः अपश्यं तं माता रेलिह सह उ मातरम रेलिह। अर्थ क्या है? एकः सुपर्णः, एक सुपर्ण पक्षी है जिसके बारे में मैं स्पष्ट कर चुका कि यह जीवात्मा जिसके ज्ञान और कर्म रूपी दो पंख हैं उसी को सुपर्ण पक्षी के रूप में कहा गया। सह वह समुद्रम, इस संसार अंतरिक्ष के समुद्र में, संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण पृथ्वी पर, अपनी धरती माता की गोद में, आकाश पिता के तले आविवेश आया है, रहता है। मुझे साधन मिला साधक, ये मनुष्य का तन अनमोल जीवन शरीर, और मैंने जब जन्म लिया साधक और साधक का संयोग, साधन और साधक का संयोग हुआ तो वह इस प्रकृति का आनंद लेने लगा। इसीलिए कहा आविवेश आया है, सह वह अंतरिक्ष में विहार करता हुआ, घूमता हुआ, आनंदित रहता हुआ। इदम विश्वम भुवनम, इस संपूर्ण संसार को विचष्टे, विविध प्रकार से देखता है, इसका मजा लेता है। परंतु करना क्या है? ये ठीक है कि जन्म लेने के उपरांत मैं इस प्रकृति के माया जाल में फंस करके रह जाता हूं। मेरी स्थिति कैसी हो जाती है? मेरी स्थिति इस दुनिया में रहते हुए उस मकड़ी की भांति हो जाती है जो मकड़ी का एक जाला बुनती है ताकि उड़ने वाले कीट पतंगे प्राणी जितने भी हैं वो उस जाले में फंसें और वह उनको खा सके। लेकिन देखें, ध्यान दें, वह मकड़ी, अन्य कीट पतंगे तो आएंगे फंसेंगे, वह मकड़ी खुद अपने बनाए जाले में फंस करके रह जाती है। ठीक इसी प्रकार ये सुपर्ण पक्षी जब प्रकृति के आनंद लेता हुआ, मजे लेता हुआ, उसका शोषण करता हुआ, उसका दोहन करता हुआ, जैसे ये धरती माता है ना, ये धरती माता मुझे बहुत प्यार करती है। कैसे प्यार करती? मुझे जो चाहिए वो मेरी धरती माता मुझे दे रही है, वो मुझे चूमती है, लेकिन मैं उसे चाटता हूं। चाटता भी कुछ शब्द मैंने कम प्रयोग कर लिया, मैं उसे काटता हूं, मैं अपनी मां का दोहन करने लगता हूं। जैसे छोटा बच्चा मां से दुग्ध पान करता हुआ यदि अभी ताजे ताजे दांत निकले हैं काट लेता है तो मां को कितना कष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार अरे मेरी मां जो मुझे सब कुछ दे रही है लेकिन मैं पर्यावरण का बिल्कुल भी ध्यान ना रखते हुए अत्यधिक शोषण करता हूं, वायु प्रदूषण करता हूं, जल प्रदूषण करता हूं, खनिज बहुत अधिक निकाल लेता हूं, पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता, सब कुछ मैं अपने ही जीवन काल में ले लेना चाहता हूं, प्रयोग कर लेना चाहता हूं। मेरी मां तो मुझसे प्रेम करती है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं चाट नहीं रहा हूं, काट रहा हूं। मैं तो पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा हूं,
मुझे करना क्या है, आइए अब इसको देख लेते हैं। तम उसे पाकेन मनसा, परिपक्व ज्ञान वाले मन से, अंतितः समीपता से, अपश्यम देखता है, मैं देखता हूं कि तम उसे माता माता रेलिह चूम रही है, सह ऊ और वह मातरम माता को रेलिह चाट रहा है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, हम आज की स्थिति में चाट नहीं रहे, काट रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, हमें उसका संरक्षण भी करना है। जितना हम लेते हैं उतना देना भी है, ये प्रकृति माता का अद्भुत चमत्कार है कि धरती माता, प्रकृति माता, आकाश पिता मेरे लिए, मेरे जीवन के सभी वांछित पदार्थ मुझे स्वतः स्फूर्त प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी लोभ की प्रवृत्ति के कारण, संग्रह की प्रवृत्ति के कारण और इकट्ठा कर लेने की प्रवृत्ति के कारण, अपने दोहन के कारण बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक इच्छाओं को निरंतर सुरसा के मुख की तरह बढ़ाता हुआ लेता चला जा रहा हूं और इसे खोखला करता जला जा रहा हूं। मेरा भी कुछ दायित्व इस प्रकृति माता के प्रति, धरती माता के प्रति, आकाश पिता के प्रति बनता है। मैं यदि ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, तो मैं वृक्ष लगा करके उतना तो इंतजाम कर लूं कि मैं कुछ ऑक्सीजन प्रकृति में वापस भी दे सकूं। अन्यथा क्या होगा, अभी कोरोना आया था ना, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए हम कितना भी धन हो मुझसे ले लो, लेकिन ऑक्सीजन दे दो, बिना ऑक्सीजन के तो मेरी जान निकली चली जा रही है। और वह परमपिता परमेश्वर, ये प्रकृति माता, मुझे कितना ऑक्सीजन बिना कोई मुझ पर एहसान दिखाए निरंतर दे रही है, लेकिन मैं उसकी क्षतिपूर्ति कभी करता ही नहीं। जल है, निरंतर बह रहा है, ये मेरी माँ धरती माता बहु जलधार है, इसमें बहुत प्रकार की नदियां और नहरें बह रही हैं, लेकिन मैं सबको प्रदूषित करता जा रहा हूं, मैं उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डालता हूं, मैं उसमें जहर डाल देता हूं, मैं अपना पूरा मल डाल देता हूं, मैं उसमें ना जाने क्या क्या मिला देता हूं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, हम सभी के पाप धोते धोते। अरे हमने अपनी गंगा को शुद्ध रखना है, जल को शुद्ध रखना है, वायु को शुद्ध रखना है। जब तक हम अपनी जलवायु को शुद्ध रखेंगे, तभी तक ये प्रकृति माता हमें भी चूमती रहेगी और निश्चित रूप से धरती माता हमारे लिए सब वांछित हमें प्राप्त करवाती रहेगी और हमें अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है वह मिलता रहेगा। अंतिम बात एक निश्चित रूप से समझा दूं कि मुझे अपनी इच्छाओं को अपनी मूल आवश्यकताओं तक घटाना है। यदि मैं आवश्यकताओं को बढ़ाते बढ़ाते इच्छाएं बना लेता हूं, मैं प्रत्येक अपनी इच्छा को आवश्यकता समझने लगता हूं, तो वह धरती माता से अधिक दोहन करने लगता हूँ, शोषण करने लगता हूँ, मैं अपनी माँ को काटने लगता हूँ, मैं वह सुपर्ण पक्षी जो इस संसार में ज्ञान और कर्म के पंखों को फैला करके उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए आया है, मैं नहीं रह जाता हूँ, मैं तो बस और अधिक इसी लोभ और लालच में दोहन करता हूं, मैं इससे बचूं। ओम इति शम। धन्यवाद।